नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग है, सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया के लिए, जिनका स्पर्म काउंट एज सच 15 मिलियन के नियर बाय नहीं होता, जो WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से, या जिसे कहते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 15 मिलियन से कम होता, उनके लिए है, और जिनका एक फर्टाइल नहीं हो पा रहे, या एज इन आपकी स्पर्म काउंट या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनके लिए ये वीडियो एक्सरसाइज बेस्ड है। घर बैठे आप आराम से कर सकते हैं, कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है, और अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इवन इसके साथ साथ अपनी फर्टिलिटी को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी ABC बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपने घर पे बेड पे बैठना है, बेड पे भी बैठ सकते हैं, इवन आप योगा मैट लेकर भी बैठ सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अपने पेल्विक रीजन हो गया ये वाला पेज। हमने पेल्विक रीजन के लिए ब्लड का फ्लो बेटर करना होता है। ब्लड का फ्लो बेटर होगा जिसकी वजह से आपके टेस्टिस की वर्किंग सही हो जाएगी। मान लीजिए अगर लैक ऑफ ब्लड है एज इन आपके टेस्टिकल्स में, तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा टेस्टिस को, अपना खाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो अपनी फंक्शनिंग को थोड़ा कम कर देती है। जब वो फंक्शनिंग को कम करते हैं तो वो आपको एज इन आपकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी और स्पर्म काउंट में असर दिखाई देने को मिलता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके बस सिंगल इस बेस के लिए, सिंपली आपने लेफ्ट राइट दोनों साइड करना है। यह भी मेरा पोस्चर सिंगल एक कैमरे की तरफ है, तो दैट्स वाई आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट आपने इसको ऑपोजिट वे में भी करना है। फर्स्ट सिंपली आपने करना क्या है, अपनी इस लेग को ऊपर करना है, फिर डाउन करना है, फिर आपने क्या करना है, राइट साइड, मेरा राइट पोस्चर आप देख रहे हो वैसे ही ऑपोजिट भी करना है, वाइस वर्सा दोनों साथ साथ चलेंगे, लेफ्ट साइड भी करना है। तो अपने हेड को नीचे की तरफ किया, स्ट्रेट किया, देन इसके बाद 1, 2, 3, 4, देन 5, देन 6। इससे क्या होगा, आपका ब्लड का फ्लो जो होगा बेटर होगा। इसी हिसाब से आपने लेफ्ट पोस्चर को भी लेकर इसी तरीके से ही करना है, इसमें और कोई अल्टरनेट चेंजेस नहीं है। इसके साथ साथ आपने और क्या चीज़ें करनी है, सिंपली कीगल एक्सरसाइज, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि नॉर्मल कीगल एक्सरसाइज का पोस्चर होता है, मैं वो भी इस वीडियो में करके दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने पेल्विक पोर्शन की तरफ ब्लड का फ्लो पहुँचाना है। हमने ब्लड का फ्लो ही बेटर करना है, और ब्लड का फ्लो जब बेटर होता जाएगा तो आपकी टेस्टिकल्स की जो एक सफिशेंट वर्किंग प्रोसेस है उसको वो स्टार्ट कर देगा, या जिसे कहते हैं कि वो उसको एनरिच कर देगा, और एनरिच करने से वो आपको बेनिफिट देगा एज आपकी इनफर्टिलिटी से क्योर करने में। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ठीक है, कीगल एक्सरसाइज ही है, इसको आप हर जगह देखते भी हैं, जानते भी हैं, और गूगल पे भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो आपको इनफर्टिलिटी की एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज यही दिखाएगा, कीगल एक्सरसाइज। फर्स्ट इसको ऊपर की तरफ खींचा, और देन उसको उसके बाद रिलैक्स कर दिया। आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, ये अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर दिया थोड़ी देर के बाद, उसके बाद जब थोड़ा बहुत आप थकने लगे या थोड़ा फील हुआ कि अब थक रहा हूँ, तो उसको नीचे जाकर रिलैक्स कर दिया। और इसके साथ ही आप मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं, आई मीन टू से अगर फर्स्ट, फिर थोड़े थक गए, फिर डाउन, फिर सेकेंड, फिर डाउन, फिर थर्ड, फिर डाउन। ये एक्सरसाइज आप आराम से अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज हैं, कोई ऐसा सच नहीं है कि आपको दिक्कत देंगे। इसके बाद एक पोस्चर होता है, जिस पोस्चर में मैं स्टार्टिंग में भी वीडियो बना रहा था, उसको बोल देते हैं एक हीरो पोस्चर। उस पोस्चर में भी बहुत हेल्प करता है, और वज्रासन भी उसी को ही बोला जाता है, उससे आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी दूर होती हैं, साथ साथ आपके इसके साथ फर्टिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने को मिलती है। हम ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा टाइम इस तरीके से भी रिलैक्स होकर बैठ जाए, इससे क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी एज एन आपके जेनेटिकल्स की तरफ थोड़ा ब्लड फ्लो बेटर होगा, और ब्लड फ्लो जब बेटर होगा तो आपकी टेस्टिकल्स की वर्किंग भी अच्छी होगी, और वर्किंग होगी अच्छी तो आपके रिजल्ट जो होगा, जो कहते हैं ना एक आउटपुट क्या निकलना चाहिए, वो आउटपुट अच्छा बेटर और बढ़िया निकलेगा। फिर देन एक और एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप उसको दोबारा मतलब घर पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, जिनके लिए थोड़ा सा ओवरवेट है, जो ओवरवेट है उनके लिए थोड़ा टफ पोस्चर पसंद है, ठीक है, बट सिंपली ये आप अगर आप करोगे तो आप स्लिमिंग में भी हेल्प होगी, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। फर्स्ट
रिलैक्स्ड, देन सेकेंड, देन रिलैक्स्ड, देन थर्ड, देन रिलैक्स्ड, देन फोर्थ, देन रिलैक्स्ड। अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इसकी एक बढ़िया सी एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ रेस्ट मोड करना है इस पर, आपने अपने इस बेस के नीचे पिलो रखना है और उसके बाद अपने इस पोस्चर को दीवार या किसी भी चेयर या किसी भी स्टूल के साथ आपने ऐसे होल्ड करके रख देना है, मतलब ऐसे सिर्फ रख देना, क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ इसलिए मेरे लिए ईजी है, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आपने सिर्फ रिलैक्स कर लेना है, ऐसे करके सिर्फ रिलैक्स करना है। एक एक्सरसाइज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको वैसे भी एक योगा के आसन में नौका आसन कहते हैं, बट सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि किसी किसी के लिए बेबी शायद टफ बन सकता है जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपने करना क्या है, सीधी लेग्स को रखना है, सिंपली इसको ऊपर की तरफ कर देना है, जिससे क्या होगा आपका पोस्चर एक नाव की तरह बन जाएगा, इसलिए नौका आसन बोला जाता है, बोट आसन भी बोला जाता है इसको। सिंपली ऐसे करना है, इससे क्या होगा जब हमारी जेनेटिकल्स की तरफ स्ट्रेंथ जाती है, स्ट्रेंथ का वर्क क्या होता है, मसल मेक करना, मसल मेक होता है तो मसल मेक से आपको ईडी में भी सॉल्यूशन मिलता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे बोल देते हैं, पीएमई में भी सॉल्यूशन मिलता है, और इसके साथ साथ आपके ओलिगोस्पर्मिया में जिसका स्पर्म काउंट कम रहता है उसमें भी हेल्प मिलती है। सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आप इसमें ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं आप। अगर आप इस एक्सरसाइज को ईजी बनाना चाहते हैं तो कोई चौकी, कोई स्टूल, छोटा सा स्टूल, उसके ऊपर पैर रखकर स्टेबल हो जाए और अपनी बॉडी को सीधा सीधा करें, जिससे क्या होगा इवन आप स्टार्टिंग थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा कि पूरे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, बट उसके बाद स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम उसको ओवरकम कर लेंगे, जिससे हमारा पोस्चर हमेशा इस तरीके से बन जाएगा और वो आपको हेल्प भी करेगा। ये आप चार एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका ओलिगोस्पर्मिया में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपना एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लीजिए, उसमें आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा और आपको हेल्प मिलेगी अपनी ओलिगोस्पर्मिया में क्योर होने में। अगर आप ओलिगोस्पर्मिया से परेशान हैं और आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप IVF करवा लो, आप IUI पे जाओ, और अगर आप परेशान हैं अपने सिर्फ और सिर्फ स्पर्म काउंट को लेकर, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, उससे मेरी टीम से बात कीजिए और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो, पसंद आई हो और थोड़ी कूल लगती हैं, आज के टाइम की लगती हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।